Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ मम्मा वो दूल्हे की जगह पृथ्वी था, अर्जुन नहीं था मम्मा, I saw it. Please believe me, mama. I'm not lying. सच बोल रही हूँ। बेटा क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कैसे हो सकता है? दूल्हे के कपड़ों में ये है, इसे देखो अर्जुन, ये है दूल्हा। मम्मा मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, आई हैव नो आइडिया, बट आई स्वेयर आपको पता है मैं झूठ झूठ नहीं बोलती ना, मैं बोल रही हूँ पृथ्वी था, उसने मुझे संदूक में बंद किया मम्मा, मुझे याद है। प्लीज प्लीज बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी मम्मा, प्लीज। देखिए अब इसे ज्यादा सवाल करके कुछ मतलब नहीं है, अभी इसे ऐसा लगा होगा तो उसने ऐसा बोल दिया होगा। अब कृतिका तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, चलो। सच बोल रहे हो आप तो, ट्रस्ट करो मुझ पे, प्लीज ट्रस्ट मी, पृथ्वी था वो, पृथ्वी था, पृथ्वी था। ओके कृतिका रिलैक्स, अगर तुम ऐसा लग रहा है तो ऐसा हो सकता है। ओके ये क्या कह रहे हो तुम, उसकी गलत बात में उसका साथ मत दो, तुम अच्छी तरह से जानते हो वो गलत कह रही है, आजकल बहुत डिप्रेस रहती है इसलिए, थोड़ा रेस्ट करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। एक काम करते हैं, रूम में चलते हैं, तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर दोबारा चले जाएंगे बाहर। कृतिका मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, अभी चलो मेरे साथ, चलो। कृतिका कुछ समझ, तुम आराम से। मम्मा मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊँ आपको ये बात। I swear, मैंने अपनी आंखों से देखा था, I can be sure कि दूल्हे के कपड़ों में पृथ्वी था, पृथ्वी ने ये कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब ना मुझे अपने आप पे शक हो रहा है। आई मीन यू आर राइट मॉम, इन कपड़ों में तो अर्जुन है, तो पृथ्वी कैसे हो सकता है? देखो कृतिका प्लीज अपना इतना दिमाग मत चलाओ। मैं संदूक में कैसे पहुंची भाई, आप खुद। कृतिका तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो जाए, ठीक है? आई कैन अंडरस्टैंड। अरे मैं पानी लेता हूँ। नहीं, तुम बैठो, मुझे प्लीज पानी देता। पानी मैं लेके आती हूँ। क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हें कुछ लगा वो बिल्कुल सही लगा। अर्जुन उठो, अर्जुन जल्दी से उठो, तुम पिता से शादी कर लेगा। अरे उठो, ये तो लॉक्ड है, पृथ्वी ने लॉक कर दिया होगा। और तुम लोग क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे थे, ये देख रहे थे मैं बेहोशी में कैसा लगता हूं, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, तब तक तोड़ देते दरवाजा। गधे हो यार तुम लोग, इसे तोड़ना पड़ेगा, हटो। मैं जाकर ढूंढता हूं उसे। मैं तो ढूंढती हूं। क्या लगता है तू प्रीता से शादी करने के लिए जाएगा और मैं तुझे प्रीता से शादी करने दूंगा? तेरे जैसे घटिया इंसान को तो मैं उसके आसपास भटकने भी ना दूं। तू प्रीता तो क्या, उसकी परछाई से भी लायक नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने पृथ्वी मल्होत्रा पे हाथ उठाया? How did? तुझे जितने हाथ पैर मारने हैं ना तू मार ले, पर मैं तेरी शादी प्रीता से होने नहीं दूंगा, समझा दो। प्रीता की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा, इस घर की खुशियों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जैसे तूने मुझे मंडप से उठाया था ना और खुद शादी करने की कोशिश की थी, तेरे साथ भी वैसा ही करूंगा। और तुझे पता है, जिसकी शादी जिसके साथ होनी थी ना उसी के साथ होगी, नो ड्रामा नो टेंशन।
से क्रिमिनल लोग यार तुम लोग। तुम वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से शेरवानी पहन लो और जाके पिता से शादी कर लो। चलो पृथ्वी ने मुझे भी मारा था, मुझे बेहोश कर दिया था और बेहोश करके उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। पर ये बात मैंने किसी से नहीं कही क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फैमिली परेशान हो जाए, सब लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे। I'm sorry, मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, बट सच बताऊं तो मैं बताना भी नहीं चाहता था। पर एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि तुम ये शादी रोकना चाहती थी, और उससे भी ज्यादा खुश हूं क्योंकि तुम प्रीता से उतना ही प्यार करती हो जितना एक बहन को अपनी बहन से करना चाहिए। भाई, थैंक यू। कृतिका, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज मत रो। भाई, अगर आप नहीं होते ना तो मुझे वाकई में लगता मैं पागल हूँ। कोई मुझ पे बिलीव नहीं करता और मुझे सच में लगा था आई एम लॉस्ट इट। आई एम सॉरी, मुझे पृथ्वी का सच सबके सामने लेकर आना चाहिए था। यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। पानी। थैंक यू। मैं पानी बाद में पी लूंगा, फिलहाल मेरा मंडप में जाना जरूरी है, बाद में बात करते हैं। मम्मा, हम भी चलते हैं नीचे मंडप में। नहीं कृतिका बेटा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो प्लीज। नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मुझे अभी जस्ट याद आया कि हुआ क्या था। यू नो वो गुंडे जो भाग गए थे, वो दो गुंडे, राइट? आई एम श्योर उनमें से किसी एक ने ना मुझे बेहोश कर दिया होगा, अटैक किया होगा मुझ पर, मुझे बेहोश कर दिया होगा और मुझे संदूक में डाल दिया होगा। मुझे याद तो कुछ रहा नहीं, और जहाँ तक मेरे बिहेवियर की बात है ना मॉम, गुस्सा मत करना ओके। शादी का माहौल है मॉम हर जगह। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।